अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में अब तक 21 बार 400 से ज्यादा का स्कोर बना है। इंग्लैंड की टीम इस मामले में सबसे आगे, जिसने नीदरलैंड के खिलाफ 498 रन का स्कोर बनाया है। T20 क्रिकेट आने के बाद वनडे में 400 का स्कोर बनने लगा है, लेकिन अभी भी किसी खिलाड़ी के लिए वनडे में 400 रन की पारी खेलना बेहद मुश्किल है। रोहित की 264 रन की पारी अभी भी अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी पारी है। हालांकि भारत के एक बल्लेबाज ने सिर्फ 16 साल की उम्र में ये कारनामा कर दिखाया है। कर्नाटक के तन्मय मंजुनाथ ने क्लब क्रिकेट में 407 रन की पारी खेल नया कीर्तिमान हासिल किया है। खास बात यह है कि तन्मय इस पारी में नाबाद नहीं रहे। अगर वो आउट नहीं होते और ज्यादा गेंदों का सामना करते तो 500 रन की पारी भी खेल सकते। कर्नाटक के सिमोगा में रहने वाले तन्मय सागर क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हैं। उन्होंने 50 ओवर के एक मैच में 407 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 165 गेंदों का सामना किया। उनकी इस पारी में 48 चौके और 24 छक्के शामिल थे। भद्रवती क्रिकेट क्लब के खिलाफ तन्मय शानदार लय में थे और इस पारी के बाद सभी की नजरें उन पर रहेंगी। अगर तन्मय आने वाले समय में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो जल्द ही IPL में खेलते दिख सकते हैं। तन्मय की शानदार पारी के चलते सागर क्रिकेट क्लब में इस मैच में 583 रन का विशाल स्कोर बना दिखा। तन्मय फिलहाल नागेंद्र क्रिकेट एकेडमी में कोचिंग ले रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में वो राज्य के रणजी टीम में या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में नजर आ सकते हैं। तन्मय से पहले पृथ्वी शॉ जैसे बल्लेबाज घरेलू क्रिकेट में अपनी प्रतिभा दिखाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहुंचे हैं। अब तन्मय के पास भी भारतीय में शामिल होने का मौका है, लेकिन उनके लिए टीम इंडिया तक का सफर आसान नहीं होगा।